Good morning, students. Welcome to the next lecture of Pharmaceutics 1. As you all know, we are discussing the chapter filtration. In the filtration, we have completed all the topics. What is filtration? What are the various factors affecting filtration? After that, filter medium, filter aid. Then we have started a topic, filtering devices used in the pharmaceutical industry. इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन के लिए कौन सी मशीनें यूज होती हैं, तो कल से हमने जो लास्ट लेक्चर से आपने वो स्टार्ट किया था उसमें आपने की थी प्लेट एंड फिल्म फिल्टर प्रेस, आफ्टर दैट यू हैव डन मेटा फिल्टर, देन यू हैव डन मेम्ब्रेन फिल्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट मशीन, दैट इज फिल्टर लीफ. बहुत ही सिंपल, आप कह सकते सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी सिंपल है, इतनी ईजी है ये ऑपरेट करनी. क्या है इसमें बेसिकली, तो डायग्राम आपके सामने बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मशीन. इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्रेनेज स्क्रीन, ठीक है, मेटल की बनी हुई एक ड्रेनेज स्क्रीन है. और ये जो ड्रेनेज स्क्रीन है ये हमने एक फ्रेम के साथ अटैच की हुई है, फ्रेम के अंदर सेट की हुई है. फ्रेम का पर्पस वही है इसको होल्ड करना, ठीक है. अब ये जो ड्रेनेज स्क्रीन है, इस स्क्रीन के साथ हमने क्या यूज किया है, फिल्टर क्लोथ एंड फिल्टर मीडियम, ठीक है. ये देखिए ये जो ड्रेनेज स्क्रीन है ये इस फ्रेम के अंदर हमने फिट कर दी है और साइडों को ये जो लगाया है ये फिल्टर क्लोथ लगाया है. ये है इसकी सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन. इसका फ्रेम बनाने के लिए हम जो मेटल यूज करते हैं वो मेटल आपका होगा जो क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल होगा, ठीक है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल आप इसमें यूज करते हैं. अब ये मशीन की वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग बहुत ईजी है. जैसे आपने कल मेटा फिल्टर पढ़ा था, तो मेटा फिल्टर में आपने क्या पढ़ा था कि जिस भी वेसल में लिक्विड पड़ा है हम उसके अंदर मेटा फिल्टर को खड़ा कर देते हैं. सेम चीज यहाँ पे है कि जिस भी वेसल में लिक्विड पड़ा है जिसको आपने फिल्टर करना है आप फिल्टर लीफ उसके अंदर खड़ा कर देते हैं. ये जो आपका फ्रेम है इसको स्टैंड करने के लिए इसकी हेल्प करता है, इसको सपोर्ट करता है, ठीक है. तो आपने वहां पे खड़ा कर दिया. अब क्या करना है, सेम प्रोसेस मेटा फिल्टर वाली, इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट करना है. वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब आप समझते हैं कि अंदर प्रेशर है कम, अंदर प्रेशर कम हो गया, वेसल में प्रेशर, जिस वेसल में आपने इसको रखा है बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर मशीन के कम है. तो आपको पता ही है कि लिक्विड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है. तो लिक्विड बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, जब लिक्विड अंदर की तरफ जाएगा तो वो जो फिल्टर क्लोथ आपने लगाया है उसके ऊपर सारे का सारा सॉलिड जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फिल्टर के, ये देखिए हमने लेबल किया है फिल्टर के, ये सारा सॉलिड है जो फिल्टर क्लोथ के ऊपर जमा हुआ हुआ है, डिपॉजिट हुआ हुआ है, ठीक है. तो इस तरीके से जब तक सारा लिक्विड आपका क्लियर नहीं हो जाता, फिल्टर नहीं हो जाता, तब तक लिक्विड की जो मूवमेंट है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होती रहेगी और आपका सारे का सारा लिक्विड जो है क्लियर होते हैं. फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ उसकी वर्किंग, कि फिल्टर लीक को आपने उस वेसल के अंदर रखना है जिसमें वो लिक्विड है जिसको आपने फिल्टर करना है, ठीक है. आपने इसके अंदर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्या है, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है. जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो जितना सॉलिड होगा वो सारा फिल्टर क्लोथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पर फिल्टर केक बन जाएगा. अब ये जो मशीन है इसको वॉश करना भी बड़ा आसान है. वॉश कैसे कर सकते हैं आप, आपने इस फिल्टर क्लोथ को साफ करना है, इसके ऊपर केक डिपॉजिट है, तो आप क्या करेंगे इसको उठा के एक ऐसे वेसल में रखेंगे जिसमें क्लियर वाटर है, ठीक है, और प्रेशर आप ओपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी अंदर प्रेशर ज्यादा हो वैसे में प्रेशर आप कम कर देंगे, बाहर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, तो क्या होगा वाटर अंदर से बाहर की तरफ आएगा, तो जो क्लोथ के ऊपर जितना भी सॉलिड डिपॉजिट होगा वो सारे का सारा उतर जाएगा, ठीक है. तो वाटर को आप ओपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे आपका फिल्टर क्लोथ जो है फिल्टर मीडियम वो क्लियर हो जाएगा. तो इस तरीके से आप इस मशीन को इजिली क्लीन भी कर सकते हैं. तो इसकी वर्किंग इजी है, इसको मतलब यूज करना आसान है, इसको क्लीन करना, इसको मेंटेन करना एज कम्पेयर टू प्लेटेड फ्रेम फिल्टर प्रेस काफी इजी है, ठीक है. तो ये है आपकी फिल्टर लीफ. इसके बाद नेक्स्ट आती है फिल्टर कैंडल. फिल्टर कैंडल जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है जो पेपर में काफी कॉमनली रिपीट होता है कि किसकी बनी हुई थी.
Filter candles are generally made up of porcelain, porcelain और इसलगुल, दो मटेरियल की बनी होती है, porcelain की और इसलगुल की, ये बहुत कॉमन फिलर है। और इसलगुल की जो बड़ी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू porcelain। porcelain देखिए आपने जो चाइना की स्किन बनी होती है आपकी, वो वाला मटेरियल है, वो थोड़ी हार्ड होती है। अब ये जो फिल्टर कैंडल्स होती है इस सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इनके साथ भी हमने जो ओपनिंग के साथ अरेंजमेंट ऐसा किया होता है कि आप इनके अंदर भी वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, इनके अंदर की जो एयर है उसको आप खींच सकते हो, वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, यानी इनके अंदर भी आप प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हो। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब आप समझते हैं हमने उस जगह से एयर को खींच लेना है, ठीक है, अंदर एयर नहीं रहेगी तो प्रेशर नहीं रहेगा, उस तरीके से वहां पर रिड्यूस प्रेशर हो जाएगा। अब फिल्टर कैंडल जो है इसका भी सेम फंक्शन है, इसको भी आप उस मिश्रण के अंदर रखिए जिसको आपने क्लियर करना है, जिसको आपने फिल्टर करना है, और इसमें भी अंदर आप वैक्यूम क्रिएट करिए। जब आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो लिक्विड बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, लिक्विड के अंदर जो सॉलिड होगा वो सारा इसकी सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, यानी फिल्टर के इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसको आपने क्लीन कैसे करना है, दो मेथड है, एक तो वही मेथड है कि आप फिल्टर कैंडल को क्लियर वाटर, क्लीन वाटर के अंदर प्लेस कर दीजिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करिए, यानी बाहर वैक्यूम क्रिएट करिए, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो फिल्टर कैंडल क्लीन हो जाएगी, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है क्योंकि ये हार्ड होती है, नेल ब्रश की हेल्प के साथ आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, उसे आप फ्रिक्शन के साथ आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसकी ये दिक्कत भी आती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जब आप फिल्टर कैंडल को रिपीटेडली यूज करते हैं तो कंटिन्यू यूज से इसके जो पोर्स होते हैं ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आपको बार बार इसको क्लीन भी करना पड़ता है। ये काफी यूज होती है, पहले तो काफी ज्यादा कॉमनली यूज थी, ये घरों में भी इवन वाटर की फिल्ट्रेशन में यूज होती थी, वैसे ये स्टरलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है, बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये मटेरियल को अब्सॉर्ब करती है। जब मैंने आपको फिल्टर मीडियम पढ़ाया था तो उसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट बताया था, जो जो फिल्टर मीडियम लिक्विड को अब्सॉर्ब करता है वो उसका डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि तो उससे हमारे पास सॉल्यूशन की कमी हो जाती है, लॉस होता है कंपनी को, ठीक है, तो इसलिए आजकल जो है ये फॉर्मली नहीं हो रही है, आउट ऑफ ट्रेंड हो रही है। ये है आपका फिल्टर कैंडल, सिंपलेस्ट कह सकते हैं आप उसकी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आपका आ गया लास्ट सिंटर्ड फिल्टर। सिंटर्ड फिल्टर में भी पहला जो आपकी फर्स्ट लाइन बुक में भी दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, ये किसके बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। आपने अब ग्लास की इतनी टाइप्स पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था बोरोसिलिकेट ग्लास जिसमें बोरोन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेन कंसेंट्रेट्स थे, ये वो वाली टाइप की ग्लास की बनी होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पिछले लेक्चर में मेम्ब्रेन फिल्टर पढ़े वो भी मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपने दो चैप्टर्स में पढ़नी है। स्टरलाइजेशन के चैप्टर में फिर से यही फिल्टर आने हैं आपके, मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बनते कैसे हैं, इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बोरोसिलिकेट ग्लास को लिया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, क्रश करके उसका पाउडर बनाया जाता है, जब वो पाउडर बन जाता है उस पाउडर को सीव में से पास किया जाता है, ठीक है, उसको सीव में से पास किया जाता है, यूनिफॉर्म साइज का पाउडर मतलब ग्लास का पाउडर इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको एक होल्डर के अंदर रखा जाता है, डिस्क की फॉर्म में एक होल्डर के अंदर हमने इसको बनाना होता है, तो एक होल्डर के अंदर रखा जाता है, वहां पे उसको हीट किया जाता है, और आप सभी जानते हैं कि जब हम ग्लास को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है, तो ग्लास का जो पाउडर होता है जब आप उसको हीट करते हैं वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एडहेशन कॉज करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहां एक बिल्कुल बारीक छन्नी टाइप बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से ये फिल्टर बनता है। इसका भी पोर साइज बहुत छोटा होता है, अगर आप इसको फिट करते हैं ग्लास के होल्डर में तो इसका नाम होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है, और अगर आप इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कई बार मेटल के होल्डर में फिट किया जाता है तब इसका नाम होता है सिंटर्ड मेटल फिल्टर, ठीक है, जो अंदर जो फिल्ट्रेशन के
होगी, बट जो उसके होल्डर हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आप ग्लास बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, ग्लास बहुत ज़्यादा फ्रजाई कर टूट जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बहुत आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लीटर्स में हमने सूजी को फिल्टर करना है, आपको हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का फिल्टर चाहिए होता है, तब आप सिंटर मेटल फिल्टर को यूज करते हैं, होल्डर जो होगा आपका वो मेटल का होगा। अब मेटल के बने होल्डर में भी दिक्कत आती है, उसमें उसका क्या डिसएडवांटेज है, आप जानते हैं बहुत सारे केमिकल्स मेटल के साथ कनेक्ट करते हैं, इवन कोरोजन कॉज करते हैं, इसलिए जो मेटल अगर आपने यूज कर दी है होल्डर बनाने के लिए तो वो मेटल भी ऐसी होनी चाहिए जो क्रोजन रेजिस्टेंट हो, अदरवाइज आपको ग्लास के ही यूज करने हैं। लैब में पड़े हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल में ये सारे फिल्टर दिखा दूंगी, हमारे पास अलग अलग ग्रेड के सिंटर फिल्टर पड़े हैं, इनका ग्रेड अलग अलग होता है, ग्रेड वन ग्रेड टू, वो ग्रेड किसके हिसाब से होता है, ग्रेड होता है इनके पोर साइज के हिसाब से, कितना बारीक है उस हिसाब से इनके अलग अलग ग्रेड आते हैं, अलग अलग साइज आते हैं, और इनका पर्पज क्या है, स्टरलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, यानी ये माइक्रोब्स की फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकते हैं, अलग अलग साइज के बैक्टीरिया को, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं, ऐसे इंजेक्शन में, ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन में, आई ड्रॉप्स वगैरह के लिए जब उनको हम फिल्टर करते हैं, उनको जो हम स्टरलाइज भी करते हैं और उनको जो फिल्टर भी करते हैं, तो हम इस टाइप के जो फिल्टर्स हैं उनको यूज करते हैं। तो ये है आपका सिंटर फिल्टर जो बना किसे होता है, बोरोसिल के ग्लास के साथ, और इसके साथ आपका ये फिल्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।